नाजरीन आप देख रहे हैं क्राइम टाइम न्यूज, मैं हूं आपका दोस्त खैसर खान, ब्यूरो चीफ क्राइम टाइम न्यूज। हर तरह की खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए क्राइम टाइम न्यूज। अगस्त 2022 को हमारी स्पेशल ऑपरेशन टीम मलकाजगिरी और घटकेसर पुलिस ने मिलकर अन्नोजीगुड़ा में एक वे होटल में चार लोगों को हिरासत में लिया था। इनमें से दो लोग थे, वो फिंगर टिप्स पे सर्जरी करके वो फिंगरप्रिंट म्यूटिलेट करने की कोशिश कर रहे थे और दो लोगों ने ऑलरेडी सर्जरी की थी। ये जो दो लोग जिन्होंने सर्जरी की उनको कुवैत से वापस भेजा गया था और ये सर्जरी करने के बाद कुछ दिन तक पुराने फिंगरप्रिंट आने को जो टाइम विंडो रहता उस पीरियड में दोबारा नया आइडेंटिटी लेके कुवैत जाने का उनका प्लान था। जो सर्जरी करने वाले थे उनका इंट्रोगेशन के बाद हमें मालूम हुआ कि ये लोग इससे पहले राजस्थान और केरला स्टेट में जाके वहां पे भी सर्जरी कर चुके हैं। वो लीड लेते हुए हमारी टीम राजस्थान और केरला पहुंची। राजस्थान स्टेट से अभी हमने दो लोगों को हिरासत में लिया है। उनका नाम है कमलेश जो बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला है और विशाल कुमार सेठ जो डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला है। केरला में जो हमारी टीम गई थी वहां पे छह ऑफेंडर में से दो लोगों को हमने अभी हिरासत में लिया है। एक का नाम है बशीर अब्दुल खदीर, ये कोट्टायम जिला का रहने वाला है और दूसरे का नाम है मोहम्मद रफी, एक कालीकत डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। इनके जो साथ में जिन्होंने शस्त्र किया या सर्जरी करवाई थी वो चार लोगों में से अहमद, मुनीर, माया और एक लेडी जिसका नाम मालूम नहीं, ये लोग हमें वहां पे नहीं मिले। और तहकीकात करने के बाद हमें मालूम हुआ कि माया और ये जो लेडी जिसका नाम पता नहीं वो ऑलरेडी कुवैत दूसरी आइडेंटिटी लेके एक कुवैत गए हैं। जो अभी कुवैत गए हैं उनके बारे में और जानकारी लेके FRRO की मदद लेके और हम हमारे जो वहां पे इंडिया की एम्बेसी है उनकी भी मदद लेके उनको पक्का हम अरेस्ट करेंगे। किसी भी आदमी की जो फिंगरप्रिंट्स रहते हैं वो पूरे लाइफ टाइम में कोई चेंज नहीं कर सकता, लेकिन ये लोग जो है अभी फिंगर टिप्स पे छोटा सा सर्जरी करके वो जो रिकवरी होने का जो पीरियड रहता है वो 6 से 8 महीने तक का, उस पीरियड का ये लोग फायदा उठा रहे और उस पीरियड में अपना आइडेंटिटी ये लोग चेंज करके दोबारा वापस कुवैत जाने के ये चक्कर में है। तो इसके बारे में जो हमारे